हेलो फ्रेंड्स, आई एम तुहिन। आप देख रहे हैं मेरा चैनल ऑल इन वन। आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप Xiaomi Redmi Note 3 मोबाइल को अपने पीसी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो होता है कि दोस्तों, जब आप लोगों ने Xiaomi Redmi Note 3 मोबाइल को अपने पीसी से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये कनेक्ट नहीं हो पाता। तो आप लोगों ने सोचा है कि ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है? नहीं, ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ये Xiaomi का ही एक सिक्योरिटी पार्ट है। इसमें होता है कि एक ऑप्शन, यूएसबी का ऑप्शन बंद रहता है, हम लोगों को उसको चालू करना पड़ता है पहले, और फिर इसे हम पीसी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने सेटिंग्स में जाइए। वहाँ पर जाने के बाद हम लोगों को एडिशनल सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पर एक डेवलपर ऑप्शन आएगा। अगर यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन नहीं आता है तो फिर हम लोगों को अबाउट फ़ोन में जाना पड़ेगा पहले, और वहाँ पे MIUI वर्सन को 7 से 8 बार ट्रैप करना पड़ेगा। देखिए, यू आर अ डेवलपर, तो आपका डेवलपर ऑप्शन एक्टिवेट हो गया है। तो फिर से एडिशनल सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन को हम लोग ऑन करेंगे। यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे यूएसबी का एक ऑप्शन आएगा, इस यूएसबी ऑप्शन को हम लोगों को ऑन कर देना है और ओके करना है। अब अगर इस फ़ोन को हम पीसी से कनेक्ट करें तो कनेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा है, देख लिया है कि कैसे Xiaomi Redmi Note 3 मोबाइल को आप पीसी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और प्लीज़ हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, जय हिंद।